असम के कार्बी आंगलोंग जिले में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है, जो कि नहले पर दहला साबित हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं असम के पहाड़ी जिला कार्बी आंगलोंग की, जहां आने वाले 17 जून को MAC का चुनाव लेकर वोट डाली जानी है। इससे पहले रीजनल पार्टी समेत नेशनल राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। बात करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग के 9 नवंबर कपिली की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती इलिस इंग तिपी की, तो पिछले कई सालों से लगातार 9 नंबर आमरेंग से MAC बनती रही हैं। लोगों के साथ तालमेल रखने में कभी कोई कोताही नहीं की। वहीं स्थानीय लोगों ने श्रीमती इलिस को पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। वैसे तो इलिस इंग तिपी तेज तर्रार तेवर के साथ जनता से सीधे संवाद करती है। यही कारण है कि हर बार भारी मतों से चुनाव में जीत का परचम लहराने में सक्षम है। गौरतलब है कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के दोयांग मुख में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा थे। श्री बोरा ने भीड़ को देख लोगों से अपील भी की कि भारी मात्रा में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे तथा लोगों के समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं कई BJP कार्यकर्ताओं ने भी रिपुन बोरा के सामने BJP छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। लिहाजा ये तो साफ हो गया है कि 9 नंबर आमरेंग से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती इलिस इंग तिपी की जीत तो पक्की है। असम से कृष्णा कुमार वर्मा की रिपोर्ट। प्राक्तन মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াও বহুত সহায় করেছিল। তারপর আমার মাননীয় সাংসদ বা কংগ্রেস